हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी छोले, जो कि बहुत प्रोटीन से भरपूर हैं और बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी हैं। बिल्कुल मीट की तरह तरह, अगर आप खा के देखोगे तो आप मीट और चिकन खाना तो भूल ही जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमृतसरी छोले। इसके लिए हमें चाहिए ये चने, जो कि हमने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए थे, और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जीरा पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है, गरम मसाला है, दो टमाटर की प्यूरी बनाकर ली है हमने, और दो प्याज चॉप कर रखे, और ऑयल, कुकिंग ऑयल है, तेज पत्ता एक, और दो बड़ी इलायचियां, और एक ये 1 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस ऑन कर दी है। गैस में, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। ये छोले जो हमने पूरे रात भिगो के रखे थे और सुबह उसका पानी धो के हटा दिया और बॉईल करने के लिए हमने रख दिए थे। बॉईल करते समय हमने 2 तेज पत्ते और 1 पोटली डाली थी, जिसमें कि मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी की स्टिक और 2 छोटी इलायचियाँ डाली थी। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और हम इसको भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हमारे ब्राउन हो चुके हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने जो चॉप किए थे प्याज वो डाल दिए हैं। अब प्याज भी सुनहरी होने तक, गोल्डन होने तक भूनते रहेंगे। प्याज का रंग चेंज होने लगा है, देखो। हमने इसमें भी 1 तेज पत्ता डाल दिया है ताकि अच्छी खुशबू आए सब्जी में, तेज पत्ते का फ्लेवर आएगा सब्जी के अंदर। और हमारे प्याज भी काफ़ी हद तक भून चुके हैं। अब इसमें हमने 1 छोटी बड़ी इलायची भी डाल दी है क्रश करके। आंच हमने फुल ही रखनी है। अभी मसाले भून रहे हैं, लगातार चलाते जाना है ताकि नीचे कढ़ाई में ना लगे, और फ्लेम इसकी फुल रखनी है, मीडियम और फुल। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे। अब हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला, और हल्दी पाउडर डालने के बाद भी हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हल्दी की स्मेल ना आए, हल्दी पक जाए। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जो कि हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे इसका रंग सब्जी का बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। और अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, जो कि हमने पहले से बना कर रखी हुई थी। और अब हम सारे मसाले को अच्छे से भूनेंगे, सारा मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये अमृतसरी छोले जो हैं पंजाब के बहुत मशहूर छोले हैं। अब इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला, जो कि मैंने सेंधा नमक लिया हुआ था, और ये जीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और अब हम अच्छे से और मिक्स करेंगे और भूनेंगे इसको। अब हम आँच, इसकी फ्लेम हमने मीडियम कर रखी है ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि ये छोले जो है पंजाब के बहुत मशहूर हैं, तो लेकिन पंजाब में जो छोले खाए जाते हैं वो वाइट चने खाए जाते हैं, काबली चने, लेकिन मैंने यहाँ पर काले चने लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में काबली चने किसी को सूट ही नहीं करते, सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें टेस्टी नहीं लगते। हमारे यहाँ काले चने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, अब हमारा मसाला थोड़ा भून चुका है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अच्छे से अब हम भूनेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो हमने काले चने लिए हुए हैं,
और उसके अंदर हमने जो पोटली डाली है वो गरम मसालों की, खड़े मसालों की डाली है, ना कि हमने पत्ती की, चाय पत्ती की डाली है। लेकिन वो लोग पंजाब के लोग जो हैं वाइट चने लेते हैं, तो इसीलिए उसको ब्लैक करने के लिए चाय पत्ती का की पोटली डालते हैं। लेकिन मैंने नहीं डाली, मेरे ऑलरेडी चने काले ही हैं। और अब हमने मसाला भुन चुका है तो काले चने जो हमने उबाल के रखे थे वो हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब उसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब काफ़ी हद तक हमारे चने भी भून चुके हैं, तो जो हमारे चने उबाले थे हमने और उसका जो पानी था वही पानी अब हम इसमें तरी के रूप में डालेंगे और उसको पकाएंगे, क्योंकि इसी पानी के अंदर इन चनों की सारी पौष्टिक तत्व आ चुके हैं। तो ये पानी काफ़ी फायदेमंद है, गुणों से भरपूर है, तो यही पानी डालना है, ना कि और कोई पानी डालना है। और आधा पानी डाला हमने, आधा हमने बचा के रख दिया है, क्योंकि जब भी चने की सब्जी हम बाद में खाते हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो ये बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो ये चने का पानी उस समय काम आता है कि हम और ये पानी उबला हुआ डालेंगे और इसको बराबर कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है, अब हम तड़का पैन रखा है हमने दूसरी तरफ और तड़का लगाएंगे। तो इसमें मैंने गाय का शुद्ध देसी घी लिया हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ लहसुन की कतरन, हरी मिर्च की कतरन और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाला है। अब ये हमने वो जो हमारी सब्जी बन चुकी है उसके ऊपर हम डालेंगे। मेन तड़के से ही इसका स्वाद बढ़ेगा। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर रखी है, वरना हमारी जो ये तड़का है हमारा सारा जल जाएगा। तो बंद किया हुआ है और बंद करने के बाद ही हमने इसके अंदर मिर्च और वो सब डाला है। अब हम इसके ऊपर ये तड़का लगा देंगे। पंजाब में देसी घी बहुत पसंद करते हैं, तो देसी घी का हमने ये तड़का लगा दिया है। और देखिए दोस्तों, हमारे ये काले चने बनके तैयार हो गए। अब हमारे छोले तैयार हो गए हैं, तो अब हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे, सर्व करेंगे। मेरे पास हरा धनिया नहीं है दोस्तों, वरना मैं डालती ज़रूर। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।